ये प्लीज़ करूँगा, क्योंकि पैंडमिक के बाद से बहुत सारी बहुत सारी भोजपुरी मार्केट काफ़ी डाउन हो गया था, एंड देन फिर सेटेलाइट पे सिनेमा आने लगा, तो उसके बाद अब जबर ही अच्छी तरह से वो प्रॉपर तरीके से फिल्म रिलीज़ कर रही थी, और जो हमारा हमारी फिल्म है ये हम लोगों ने सेटेलाइट पर हमने लगी नहीं बनाया है, हमने सिनेमा थिएटर के ही बनाया है, और बिल्कुल 15 अगस्त आने वाला है, लेकिन सिर्फ 15 अगस्त का ही दिन का इंतज़ार नहीं होता है, एक हिंदुस्तानी के मन में देशभक्ति हमेशा रहती है, वो साल की कोई एक तारीख की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा देशभक्ति रहती है। पूरी फिल्म को लेकर लगातार तमाम लोग चर्चा करते हैं, पूरी का डेवलपमेंट हो, कुछ ही लोग हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े किसान हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं, रहुआ है, बाकी लोगों का जो डेवलपमेंट है वो कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हुए उतना निकल नहीं होता, लेकिन चिंता का विषय है मानते हैं। देखिए जहाँ पहले आपने बात की अश्लीलता, मुझे लगता है सिनेमा में तो है ही नहीं, ये जो है वो सिर्फ एल्बम में और गानों में ही है, आज का आप टाइम देख लीजिए, आज का सिनेमा जो बन रहा था उतने खूबसूरत सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, मेरी खुद इतनी सारी फिल्म जो हैं फैमिली ड्रामा या हीरोइन ओरिएंटेड या सब्जेक्ट उस फिल्म का हीरो होता है, तो वो टाइम गया कि जब शुरू में होता था, आजकल तो भोजपुरी में आइटम सॉन्ग भी नहीं होते, होते ही नहीं है, बहुत अच्छे क्लासिक सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन लोगों की क्योंकि सोच बन चुकी है, उन लोगों ने इतना सारा पुराना ऐसा कुछ देख लिया है, या फिर वो जो बीच बीच में एल्बम आ जाते हैं, अब एल्बम इतने सारे आ जाते हैं तो लोगों को क्या होता है वो एल्बम और फिल्मों को मिक्स कर देते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ लोगों को लगता है कि भोजपुरी में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है, मैं चाहती हूँ कि जो कमेंट करते हैं वो कमेंट करने से पहले जाएँ और ज़रूर देखें कि इस तरह का सिनेमा आज की डेट में भोजपुरी में बन रहा है। हम बिहार में भी करते हैं, जब जिस तरह के सब्जेक्ट का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंगली शूटिंग होती है, बिहार में भी शूटिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि एक अलग प्यार मिलता है यहाँ के लोगों से, एक अपनापन लगता है, और मेरे करियर की शुरुआत जब मैंने की थी तब भी मैंने बिहार में ही पहली फिल्म अपनी शूटिंग की थी, महुआ एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर तो बिल्कुल, लेकिन मैं ये सब बोलने के साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ की गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा भोजपुरी को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे बाकी सब स्टेट बिल्कुल बाकी स्टेट के लोग कर रहे हैं, और मल्टीप्लेक्स में, क्योंकि अगर हमारा ऑडियंस चेंज नहीं होगा, हम उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देंगे, तो फिर ये वैसे कैसे ग्रो होगा, उसके लिए हमें अच्छे थिएटर्स चाहिए, उसको मल्टीप्लेक्स रिलीजेस चाहिए, आप देखिए तो किस तरह की फिल्में बन रही हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करके बनाते हैं, उसको रिलीज़ पे आके जब सारी कहानी खराब हो जाती है, सारी मेहनत अधूरी रह जाती है, जब तक वो दर्शकों तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर पैंडमिक तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी आना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो भी भोजपुरी को और अच्छे से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का विकास हो पाएगा। लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा।